इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने चोर गिरोह को दबोचा है। जी हां, आरोपी कार चोरी करने के बाद कबाड़ी को बेच देते थे और जो उसे काट कर कबाड़ बना देते थे। क्राइम ब्रांच ने दो कार और तीन कटी कार के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने जिले के अलग अलग स्थानों पर चार पहिया वाहन चोरी के मामले में दर्ज केस की तकनीकी एनालिसिस कर जांच शुरू की, जिसमें थाना टीटी नगर और शाहजहानाबाद के सहयोग से कार चोरी करने वाले आफताब अली और शाहरुख मोहम्मद शाहरुख और सोएब अली को गिरफ्तार किया। उनके पास मारुति जैन कार और चोरी करने रेकी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंडा यूनिकॉर्न भी जब्त की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र से एक मारुति जैन कार एवं कोही फिजा क्षेत्र से चोरी की गई दो कार देवास के रहने वाले नवाब शाह मुबारक खान कल्लू शाह के कबाड़ में बेची, जिसके बाद पुलिस ने देवास में तीनों कबाड़ियों से पूछताछ की। उन्होंने आरोपियों से चार कार खरीदना स्वीकार किया। पुलिस ने कबाड़ी नवाब शाह से शाहजहानाबाद से चोरी जैन कार भी जब्त की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के कबाड़ से पुलिस को चोरी कारों के विंडशील्ड बम्पर और नंबर प्लेट मिले। पुलिस के आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें अन्य चोरी के वाहन की जानकारी मिलने की संभावना है। पूछताछ में कार चोरों ने बताया कि वह घरों के बाहर एवं रास्ते में खड़ी कारों की मोटरसाइकिल से रेकी करते हैं, इसके बाद लोग तोड़कर कार चुरा लेते हैं, जिसे देवास में कबाड़ियों को सस्ते दाम पर बेच देते हैं। कबाड़ी कार को कुछ ही देर में काट कर कबाड़ बना देते हैं। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी देते हुए बताया, आफताब अली उर्फ शाहरुख कार का लॉक तोड़ता था, मोहम्मद शाहरुख महानों की रेकी करता और सोएब अली कार चोरी करता था। तीनों ही शाहजहानाबाद भोपाल के रहने वाले हैं। देवास निवासी इकराम उर्फ नवाब शाह एवं कल्लू शाह और इंदौर निवासी मुबारक खान चोरी की कार खरीदने एवं काटने का काम करते थे। ये था आप तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।